नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी ट्रिपल ई युवा कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि अपन पिछली क्लासों में पढ़ रहे थे, रीजनिंग का घड़ी जो टॉपिक है उसी के कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको आज अपन कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप पढ़िए और साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करने की भी कोशिश कीजिए। साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करने की भी कोशिश कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके पास ये कह रहा कि 8:50 बजे से, टाइम कितना बोला, 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था। सबसे पहले आपको जो बताया उसकी बात कर रहे हैं अपन, कि टाइम कितना बताया, 8 बजकर कितना 50 मिनट, इससे भी कितने मिनट पहले की बात की, 20 मिनट पहले। इससे 20 मिनट पहले, इसका मतलब इसमें से घटाएंगे अपन, घटाएंगे तो इससे 20 मिनट पहले कितना टाइम होगा, 8:30, मतलब 8:30 बजे सतीश वहां पहुंचा था। सतीश वहां पहुंचा था। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे क्या पता चलता है, उसे ये पता चलता है कि एक अन्य व्यक्ति है, वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से कह रहा कि 30 मिनट पहले आ गया। सतीश जो है एक अन्य व्यक्ति है जो 40 मिनट पहले आया, उससे भी 30 मिनट पहले आ गया। ये 40 मिनट देरी से है, सॉरी देरी से बोला एक अन्य आदमी, तो अपन इसको अलग से लिखते हैं, अन्य आदमी की बात कर रहा है वो। 40 मिनट देर, कितना देर हुआ, 40 मिनट देर, लेकिन मैं उससे 30 मिनट पहले आ गया। वो तो 40 मिनट लेट हुआ था, लेकिन उस 40 मिनट लेट होने वाले आदमी से मैं 30 मिनट पहले आ गया, मुझे भी 30 मिनट नहीं 40 मिनट पहले आना चाहिए था, क्योंकि वो आदमी कितना लेट था, 40 मिनट लेट था। तो मैं केवल उस आदमी से कितना मिनट पहले आया, 30 मिनट ही पहले आया, इसका मतलब मैं भी लेट हूँ। मैं का मतलब कौन, सतीश, सतीश लेट है। आप 40 में से 30 माइनस कर दो, कितना मिनट लेट है, ये सतीश लेट है। कितना मिनट लेट है सतीश, बताएंगे कि 10 मिनट लेट है, 10 मिनट लेट है। ये पहुंचा कितने बजे था, 8:30 पर, तो इसमें से भी 10 घटा दो, 10 मिनट लेट पहुंचा था। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मिनट पहले से ही बैठक प्रारंभ हो चुकी। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि बैठक का निर्धारित समय क्या था, तो बैठक का निर्धारित समय इसमें से भी घटाएंगे अपन, तो कितना होगा, 8:30 में से 10 घटाएंगे तो 8:20, कितना टाइम होगा, 8:00 बजकर कितना होगा, 20 मिनट होगा। और ये क्या होगा, उस बैठक का निर्धारित समय होगा। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आप। यदि आप इसको एक बार फिर से समझना चाहते हैं तो आप इसको शॉर्ट में करें तो किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ पर पहले इसको अलग से याद रख लो, आप इसको अलग से याद रख लो, कैसे, 8:50 से 20 मिनट पहले। इसका मतलब इसको तो अलग से 8:50 में से आप क्या कर दो, 20 माइनस कर दो, तो कितना आया अपने पास, 8:30, ये उसके पहुंचने का समय। फिर वापस आपको मिनट दी गई है, मिनट कितनी आपके पास, 40 मिनट, लेकिन वो कितने मिनट पहले आया, 30 मिनट, तो 40 में से कितना घटाओगे, 30, दोनों का अंतर यहां कितना है, 10। ये इन दोनों का अंतर, ये इन दोनों का अंतर, अब जो अंतर अंतर है उसमें से भी ये माइनस कर दो, यहां अंतर कितना है, 8:30, यहां अंतर कितना है, 10, इसमें से भी 10 माइनस कर दो, इन दोनों का फिर अंतर कर दो, तो कितना आया, 8:20 आया। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 8:20 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप सोल्व कर कर मुझे कमेंट जरूर करके बताएंगे कि इसका आंसर ये आएगा। चलिए देखिए, मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान में सुबह है 8:30 बजे से 15 मिनट पहले
पहुंचकर मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आया उससे मैं आधे घंटे पूर्व ही पहुंच गया हूं। वस्तुतः गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? गोष्ठी मतलब एक बैठक है आपके पास। कितना टाइम दिया? सबसे पहले आपको टाइम दिया कितना, 8:30। इससे भी कितने मिनट पहले की बात कर रहे हैं, 15 मिनट पहले। घटाओ कितना हो गया, 8:15। ये 8:15 पर पहुंचा, 8:15 पर क्या हुआ, पहुंचा। 8:15 पर पहुंचा तो क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि मैंने जाना, जब मैं यहां पर पहुंचा 8:15 पर पहुंचा, मैं कितने पर पहुंचा, 8:15 पर पहुंचा, तो मैंने क्या जाना, मैंने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देर से आया मैं उससे आधे घंटे पूर्व ही पहुंच गया। एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो कितना 40 मिनट देरी से आया लेकिन मैं उससे आधे घंटे ही पहले आया। इसका मतलब वो तो 40 मिनट लेट लेकिन मैं तो उससे पहले आ गया था, आधे घंटे ही पहले आया। यदि मैं 40 मिनट पहले आ जाता तो मैं टाइम पर पहुंचता, लेकिन नहीं पहुंचा, मैं उससे 30 मिनट ही पहले पहुंचा। इसका मतलब मैं भी लेट हूं, और कितना मिनट लेट हूं, लेट मैं खुद हूं। कितना मिनट लेट हूं बताओ, 10 मिनट लेट हूं। पहुंचा कितने बजे था मैं, 8:15, इसमें से भी कितना घटा दो, 10 मिनट लेट था, तो आपका आंसर कितना होगा, 8:05। तो आपका आंसर कितना होगा मित्रों, 8:05। आंसर बी होगा इसका। अब इसको डायरेक्ट देखो, यहां से ये कह रहा है 8:30 बजे से कितने मिनट, 15 मिनट पहले। तो पहले तो उन दोनों का, ऊपर वाले दोनों का अंतर कर दो। आप इसको डायरेक्ट शॉर्ट में याद रखना है तो कैसे करोगे, पहले 8:30 में से कितना घटा दो, 15। कितना आया यहाँ पर, 8:15। फिर यहाँ पर कितना बोला आपको, 40 मिनट और ये आधा घंटा, तो ये 40 और ये आधा घंटा, 30 मिनट। इन दोनों का अंतर किया तो कितना आया, 10 मिनट। यहाँ याद रखना ये क्या है, लेट है। क्या है, लेट है। अब इन दोनों का अंतर कर दो, 8:15 में से 10 मिनट माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा, 8:05। आंसर कितना आएगा, 8:05 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 8:05 आपका आंसर आ जाएगा। 8:15 में से कितना घटा दोगे, 10। पहले इन दोनों को घटाया 8:15, इन दोनों को घटाया 10। 8:15 में से 10 मिनट लेट तो घटा दो, आंसर कितना आएगा, 8:05। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं वो एक बार, जितने जो भी देख रहा है, जो भी इस टाइम क्लास देख रहा है वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। आप पहले साथ साथ सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद क्लास को देखिए कि क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने पूरा, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। हाँ जी, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कह रहा है घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। आप यहां देखिए, एक घड़ी है आपके पास, ये घड़ी कितना टाइम दिखा रही है, 7:30। मैं 7:30 बजे की पोजीशन बना रहा हूं। देखो कितने बजे की पोजीशन बना रहा हूं, 7:30 बजे की पोजीशन बना रहा हूं। 7:30 बजे की पोजीशन है, यहां पर ये कितना है, 6, ये 7 और यहां पर 8। 7:30 बजे मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 6 पर, और घंटे वाली 7 और 8 के बीच में, ये पोजीशन है। अब कह रहा है कि यदि मिनट की सुई किस दिशा को दिखा रही है आपको, पश्चिम दिशा को। मिनट की सुई किस दिशा को दिखा रही है, पश्चिम दिशा को। आप देखो सिचुएशन बना के बता रहा हूं आपको, ये आपके पास में मिनट की सुई है, ये अभी फिलहाल कौन सी दिशा अपने पास में, दक्षिण है। कौन सी दिशा है, दक्षिण है। ये कौन सी है, पूर्व है। ये कौन सी है, उत्तर है। ये कौन सी है, पश्चिम है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनट की सुई 7:30 बजे कौन सी दिशा को दिखाती है, पश्चिम को। इसका मतलब ये गलत बता रहा है। कोई बात नहीं, ये मिनट की सुई बता रहा है ना, वो कौन सी दिशा बता रहा है आपको, पश्चिम। जब इस पश्चिम को यहाँ ले आया तो इस दक्षिण को यहाँ ले जाएंगे, ये क्या होगा अपना, दक्षिण। जब इस दक्षिण को यहाँ ले जाए तो ये क्या होगा अपना, पूर्व।
और इसको इधर ले आओ तो ये क्या होगा अपना उत्तर। बस एक एक इधर बढ़ाते जाओ। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। देखो आंसर किसके अनुसार लेना है, इस कोष्ठक वाली दिशा के अनुसार लेना है। तो घंटे की सुई कहाँ है, ये रही। घंटे की सुई कोष्ठक वाली के अनुसार लेना है। कोष्ठक में इधर क्या लिखा हुआ है, उत्तर। इधर क्या लिखा हुआ है, पश्चिम। तो ये अपनी डायरेक्शन क्या होगी, प्रश्न के अनुसार क्या होगी, उत्तर पश्चिम दिशा में घंटे की सुई होगी। किधर होगी, उत्तर पश्चिम दिशा में घंटे की सुई होगी। एक बार फिर देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन ऐसा ही होगा, सेम यहां पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि घड़ी 4:30 बजे दिखा रही है। यदि मिनट की पूर्व, मिनट की सुई है यहां पर, मिनट की सुई पूर्व दिशा को दिखा रही है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। चलिए देखिए यहां पर, ये आपके पास घड़ी है, 4:30 बजे की पोजिशन बना रहा हूं मैं। यहां पर कितना है, 3, 4, 5, 6, 4:30 बजे। तो मिनट वाली सुई यहां पर होगी और घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होगी। ये कौन सी दिशा अपनी पूर्व है, ये कौन सी है उत्तर दिशा है, ये कौन सी दिशा है पश्चिम दिशा है, और ये कौन सी दिशा अपनी दक्षिण दिशा है। ये तो ऐसी तो होती है वास्तव में, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है 4:30 बजे जो घड़ी है वो मिनट की सुई पूर्व दिशा को दिखा रही है। 4:30 बजे है वो क्या बोल रहा है कि मिनट की सुई कौन सी दिशा को दिखा रही है, पूर्व दिशा को दिखा रही है। मिनट की सुई ये है, ये कह रहा कि पूर्व में है। जब ये पूर्व में, पूर्व था यहाँ इधर ले आया, कोई बात नहीं, तो दक्षिण को किधर ले जाओ, इधर। तो ये कौन सी होगी, दक्षिण। कोई बात नहीं, इधर ये पश्चिम है ना, तो ये पश्चिम अब यहाँ आ जाएगा। आगे चलो, ये उत्तर यहाँ है तो इस उत्तर को यहाँ ले आओ, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ऐसा करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। अब जो आपको आंसर देना है वो आंसर किस प्रकार से देना है, आंसर इसके अनुसार देना है, इसके अनुसार देना है। ये जो आपको कोष्ठक में दिख रही है ना, इसके अनुसार देना है। तो कोष्ठक के अनुसार आंसर देना है। तो कौन सी सुई बोल रहा है, घंटे की सुई। घंटे की सुई कहाँ है, ये रही आपके पास। तो ये कौन सी दिशा है कोष्ठक में, उत्तर, और ये कोष्ठक में पूर्व। तो आंसर क्या होगा, दोनों के बीच, उत्तर पूर्व के बीच क्या होगा, उत्तर पूर्व। क्या होगा, उत्तर पूर्व। आपका आंसर क्या होगा, इसका डी आंसर करेक्ट होगा। सभी लोग आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास इसी प्रकार का, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि घड़ी 12 बजे दिखा रही है। यदि घड़ी की दोनों सुइयाँ पूर्व दिशा को दिखा रही है, ये आपके पास घड़ी है भैया, घड़ी 12 बजे दिखा रही है, इसका मतलब 12 बजे पर ही होंगी दोनों सुइयाँ घड़ी की, घंटे की और कौन सी, मिनट की। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों सुइयाँ पूर्व दिशा को दिखा रही है। भैया पूर्व दिशा की बात कर रहा है यहाँ पर, अपन यहाँ पर जानते हैं कि ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व, ये कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि घड़ी की दोनों सुइयां किस दिशा को दिखा रही है, पूर्व को। इसको पूर्व बनाया, इसको क्या बनाया, पूर्व, यहां से इधर ले गए, तो उत्तर को यहां ले आओ, ये कौन सा होगा, उत्तर। इस पश्चिम को यहां ले जाओ तो ये कौन सा होगा, पश्चिम, और इस दक्षिण को इधर ले जाओ तो ये कौन सा होगा, दक्षिण। कोष्ठक में रख दो, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब देखो ये कह रहा है कि 3 बजे घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। 3 बजे की पोजीशन बनाओ, 3 बजे की पोजीशन मैं आपको रेड लाइन से शो करके बता रहा हूं। देखो 3 बजे की पोजीशन यहां पर, ये 3 बजे की पोजीशन है, ऐसी होगी। तो 3 बजे की पोजीशन में कौन सी सुई की बात कर रहा है, 3 बजे की, 3 बजे घंटे की जो सुई की बात कर रहा है, घंटे की सुई कहां है, ये रही। तो आप देखो घंटे की सुई ये कौन सी दिशा है अपनी, दक्षिण है। आंसर पूर्व नहीं देंगे, आंसर क्या देंगे, दक्षिण देंगे। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, आंसर क्या आएगा, दक्षिण। और जिसने भी सोल्व किया है, पॉज करके वीडियो सोल्व करके देखना, सोल्व करके देखोगे तो आंसर आ रहा है आपका, जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे मुझे। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बस डिपो से चेन्नई के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस छूटती है। यदि कर्मचारी, पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, अगली बस कितने बजे बोल रहा है, 10:30। देखो डाटा है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ।
प्रत्येक 30 मिनट बाद क्या छूटती है, बोलो, बस जाती है। पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की जो बस है वो प्रत्येक, यहाँ पर क्या बोल रहा है, चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है। अगली बस कितने बजे जाएगी, 10:30 पर जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना दी तो उस समय क्या था, उस समय समय क्या था। सुनो, आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक 30 मिनट बाद, प्रत्येक कितने मिनट बाद, 30 मिनट बाद क्या जाती है, बस जाती है। प्रत्येक 30 मिनट बाद बस तो जाएगी ही, ये निश्चित है। अभी ये कह रहा है कि मैं गया बस स्टैंड पर तो मुझे पता चला हर आधे घंटे में बस जाती है। हर आधे घंटे में क्या जाती है, बस जाती है। तो हर आधे घंटे में जब बस जाती है तो मैंने वहां पूछताछ कर्मचारी था उसको पूछा कि भाई चेन्नई के लिए बस कितने बजे जाएगी, तो उन्होंने कहा 10 मिनट पहले गई है और हर आधे घंटे में बस जाती है, ठीक है। हर आधे घंटे में बस जाती है, 10 मिनट पहले गई है। अगली बस जाएगी, मैंने पूछा अगली बस जाएगी कितने बजे, उसी से मतलब अपन को, वो क्या बोला, 10:30 बजे जाएगी। मैंने जब पूछा तो उसने क्या बोला, अगली बस तो जाएगी 10:30 और अभी अभी गई है 10 मिनट पहले, तो इसका मतलब 10 मिनट पहले गई है और हर आधे घंटे में जाती है। हर आधे घंटे में जाती है इसका मतलब क्या है कि 10 मिनट पहले तो गई है, 20 मिनट और बची है, तो 20 मिनट बाद बस जाएगी। तो 20 मिनट बाद बस जाएगी, इसका मतलब 20 कम करो, 10:10 पर पूछा मैंने, 10:10 पर पूछा, 10:30 जाएगी, इसका मतलब पिछली बस कब गई, 10 बजे, और मैं पहुंचा तब उसने क्या कहा, 10 मिनट पहले गई, इसका मतलब मैंने टाइम कब पूछा, 10:10 पर। तो आंसर कितना होगा इसका, 10:10 पर। क्या आंसर होगा, 10:10 पर। अगला प्रश्न देखिए आप, जब आपको समझ नहीं आता क्वेश्चन तो एक बार वीडियो को पॉज करें, वापस बैक जाएं और एक बार जरूर देखें, जरूर समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, एक बस डिपो से जयपुर के लिए प्रत्येक 40 मिनट बाद बस छूटती है। वही पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि जयपुर की बस 15 मिनट पहले जा चुकी है, अगली बस 8:40 बजे प्रातः जाएगी। तदनुसार जब उस पूछताछ कर्मचारी ने यह सूचना दी तो समय क्या था, वही क्वेश्चन। अपन सबसे पहले देखो, हर प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक 40 मिनट में क्या जाती है, बोलो, बस। प्रत्येक कितने मिनट में जाती है, 40 मिनट में बस जाती है। प्रत्येक 40 मिनट में बस जाती है, ये रहा। पूछताछ कर्मचारी को पूछा कि जब जयपुर की बस कब जाएगी, तो इसने क्या बोला, 15 मिनट पहले जा चुकी। कब जा चुकी, 15 मिनट पहले। अब आप बताओ, हर 40 मिनट में तो बस जाती है, 15 मिनट पहले गई है तो 25 मिनट बाद जाएगी। 15 मिनट पहले गई, इसका मतलब 25 मिनट और बचे हैं, 25 मिनट बाद अगली बस जाएगी, ठीक है। अब देखो ये कह रहा कि अगली बस जाएगी ना, वो जाएगी कितने बजे, 8:40 बजे जाएगी। अगली बस जब 8:40 बजे जाएगी, अगली बस की बात कर रहा है, उसी से मतलब है अपन को, कितने बजे जाएगी, 8:40 पर। और जब मैंने पूछताछ कर्मचारी से पूछा तो उसने क्या बोला कि 15 मिनट पहले गई, इसका मतलब 15 मिनट पहले उसने गई ऐसा बताया, उसने ऐसा नहीं बताया कि 25 मिनट बाद जाएगी। वो अपन ने निकाला 15 मिनट पहले गई और हर 40 मिनट बस जाती है, इसका मतलब 25 मिनट बाद बस आएगी। और वो आएगी कितने बजे, अगली बस कितने बजे जाएगी, 8:40, इसका मतलब मैं 25 मिनट पहले उसको टाइम पूछ रहा हूं। किसको, पूछताछ कर्मचारी को, कितने मिनट पहले, 25 मिनट पहले टाइम पूछ रहा हूं, 25 मिनट पहले टाइम पूछ रहा हूं। तो मुझे वो 25 मिनट बाद का नहीं बोलता है, मुझे तो वो कंफ्यूज करता है कि 15 मिनट पहले गई है और अगली बस कितने बजे जाएगी, 8:40 जाएगी। इसका मतलब आप यहां देखो कि 25 मिनट इसमें से कम करोगे तो 8 कितना होगा, 15 होगा। 8:15 पे मैंने उसको पूछा था भैया बस कितने बजे जाएगी, तो वो पूछताछ कर्मचारी बोले, क्या बोले, कि 15 मिनट पहले गई, इसका मतलब कब गई, 8 बजे। कब गई भाई, 8 बजे गई, सीधा सा कंसेप्ट है। आंसर कितना होगा, 8 बजे गई तो अगली 8:40 पर जा रही है। मैंने टाइम कब पूछा था बताओ, 8:15 पर।
कब पूछा था? 8:15 पर टाइम पूछा था। सीधा सा है, देखो 15 मिनट पहले, इसमें से आप बताओ यहाँ पर 15 मिनट पहले, तो डायरेक्ट आप लिख दो 8:40 पर जा रही है हर। ये तो सिंपल है क्योंकि 40 है इसमें दिया हुआ, इसमें भी 40 दिया हुआ, तो 40 से 40 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 15 मिनट पहले इसका मतलब 8:15 पर टाइम पूछा। लेकिन मिनटों का ही हेर फेर है, तो क्वेश्चन को आपको समझ के करना है, ठीक है? तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8वां दिया हुआ है। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 मिनट थे, 50 मिनट पहले 4:45 मिनट थे, कितने मिनट पहले की बात की जा रही है? 50 मिनट पहले 4:45 मिनट थे, 4:45 मिनट था, कब था? ये तो 50 मिनट पहले ही था। कब था ये? पहले। तो अब की बात करो तो इसमें 50 मिनट और जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? अब का देख लो, अब कितना टाइम हो गया, इसको 15 देते ही 60, 5 और कितना हो गया 35। यहां पर ये मिनट जोड़ रहा हूं मैं, अच्छा 15 देते ही तो 5 बज गए, 35 मिनट ये हो गए, तो 5:35 मिनट। ये कब का टाइम हो गया आपके पास में? ये टाइम कब का हो गया आपके पास में? अब का, फिलहाल। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 बजने में कितने मिनट हैं, अभी टाइम कितना हो रहा है 5:35, 6 बजने में कितने मिनट बाकी है बताओ? 25 मिनट बाद कितने बज जाएंगे? 6 बजेंगे। कितने बजेंगे? 6 बजेंगे। तो आंसर कितना होगा? 25 मिनट बाद। अगला क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे, जैसे ही वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे, उसके बाद आप सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, ठीक है? ये क्वेश्चन कह रहा कि यदि 35 मिनट पहले 8:20 मिनट थे, तो 10 बजने में कितने मिनट हैं? कितने मिनट पहले की बात कर रहा है? 35 मिनट पहले। अच्छा 35 मिनट पहले टाइम क्या था? 8:20 मिनट था ये 35 मिनट पहले, तो अब चाहिए तो इसमें 35 मिनट और जोड़ दूं, ये क्या हो जाएगा? अब अभी का टाइम कितना हो जाएगा? 35, 8:55 हो गए। कितना टाइम हो गया? 8:55। अब मुझे क्या कह रहा है? 10 बजने में कितने मिनट लगेंगे? 10 बजने में कितने मिनट लगे? अच्छा मैं इसमें 5 मिनट जोड़ दूं तो कितने बज जाएंगे? 9। 5 मिनट जोड़ दिए कितने बज जाएंगे? 9। और 10 बजे के लिए 60 मिनट और चाहिए, तो 5 + 60 कितने मिनट चाहिए? 65 मिनट चाहिए। कितने मिनट चाहिए? 65 मिनट चाहिए। आप सभी का कमेंट भी आना चाहिए मेरे पास कि सर इतना टाइम, इतना मिनट और लगेगा। नेक्स्ट पर्सन आपके पास क्वेश्चन में, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 2 मिनट का अंतर किस समय होगा? क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच है वो घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे की और कौन सी? मिनट की सुई के मध्य कितने मिनट का गैप बोल रहा है? गैप बोल रहा है 2 मिनट का अंतर। कितने मिनट का अंतर? 2 मिनट का अंतर किस समय होगा? इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो याद रखना कि घड़ी की सुइयों के मध्य, ध्यान रखना घड़ी की सुइयों के मध्य मिनट का अंतर ज्ञात करना, ठीक है? तो घड़ी की, घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य क्या ज्ञात करेंगे? मिनट का अंतर। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है, सूत्र बोल सकते हो आप उसको, चाहे ट्रिक बोल सकते हो आप उसको। क्या याद रखेंगे? कितने बजकर बोला वो, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे जितना भी बजकर बोला वो इनटू क्या लिखेंगे? 5, और प्लस माइनस लिखेंगे मिनट का अंतर। जितने भी मिनट बोला वो इनटू 12/ कितना लिखोगे? 11। ये फॉर्मूला जो है ये आपको इसके लिए याद रखना है, आसान है, इतना बड़ा नहीं है। अब देखो सोल्व करना है,
तो इसी क्वेश्चन में देखो, बजकर कितना बजकर, चार बजकर, बजे कितना है वापस चार, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों क्या है सेम है, ये दोनों सेम है, बजे कितना लिया चार इंटू कितना है पांच, एक बार क्या ले लो प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो माइनस ले लो, प्लस ले लेते हैं तो प्लस लिया तो कितना मिनट का, कितनी मिनट का अंतर है दो, इंटू बारह बटे कितना करेंगे ग्यारह, तो ये होगा चार बजकर बीस और दो कितना बाईस, अरे बीस और दो बाईस इंटू बारह बटे कितना ग्यारह, इससे काट दो इससे कितनी बार दो बार, तो चार बजकर बारह दो कितना चौबीस, ऐसा आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। यहां पर थोड़ा जूम करके बता देता हूं मैं आपको, ये ऑप्शन ये रहा डी ऑप्शन आंसर है कि चार बजकर कितना मिनट पर, चौबीस मिनट पर। आप कह सकते हो सर ऐसा ना मिला तो कोई बात नहीं, आप प्लस की जगह क्या ले लोगे माइनस। एक प्रश्न और है आपके पास ऐसा ही, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए आप, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही, पांच से छह बजे के बीच, कितना टाइम बोला पांच से छह बजे के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य तीन मिनट का क्या पूछ रहा है अंतर किस समय पर होगा, वही सेम पैटर्न आपके पास, चलिए देखिए आप सेम पैटर्न है, क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको उसको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या बताया कितने बजकर, वापस वही बजकर सेम लिखना है, कितने बजकर वही बजकर बजे एक ही बात है, इनटू क्या लिखेंगे प्लस माइनस, ठीक है, इनटू पांच प्लस माइनस जो मिनट का अंतर दिया हुआ है वो, और इनटू में क्या लिखेंगे बारह बटे ग्यारह। आप प्लस लेकर भी सोल्व कर सकते हैं टाइम अलग आएगा, माइनस लेकर भी सोल्व कर सकते हैं टाइम अलग आएगा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप सोल्व करते हैं, यहां पर पहले लेते हैं प्लस अपन, तो पांच बजकर कौन सा लिखेंगे, पांच बजकर पांच, बजे भी कितना आपके पास पांच, इंटू भी कितना है पांच, और प्लस ले रहा हूं मिनट कितनी है आपके पास तीन, इंटू क्या करेंगे बारह बटे ग्यारह, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना पच्चीस और तीन कितना अट्ठाईस, और इनटू कितना 12 बटे 11, इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है कोई बात नहीं, 12 8 कितना 96, 12 2 24 और 9 कितना 36 बटे कितना 11, तो ये होगा पाँच बजकर 11, 11 3 33, 3 6 बटे 11, ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, पाँच बजकर 30 से ही 6 बटे 11, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऑप्शन यहाँ पर है 30 से ही, यहाँ पर कितना है 30 सही 6 बटे 11, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा सी, करेक्ट आंसर कौन सा होगा सी होगा। तो चलिए देखिए अब यहां पर देखो, इसमें आप दूसरा भी कर सकते हो, माइनस लेकर भी सोल्व कर सकते हो, देखो माइनस लेकर सोल्व करोगे तो टाइम अलग आएगा, पांच बजकर कितना लिखोगे पांच इंटू भी पांच, और माइनस तीन इंटू बारह बटे कितना लिखोगे ग्यारह। अब यहां देखो पांच बजकर, ये 25 में से 3 घटाएंगे तो 22, और 22 से काट दो कितनी बार दो, 12 इंटू दो कितना 24, तो 5:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का अंतर होगा 3 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। आप ऐसे ही वीडियोज हैं जितने भी हैं सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे आप देख सकते हो, ये घड़ी का कंप्लीट टॉपिक पूरा हो चुका है, ठीक है, सारा का सारा कंप्लीट करवा दिया है, और इसका एक अच्छा सा टेस्ट होगा जिसमें लगभग 40 से 50 क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे, तो जितने भी वीडियोस हैं आप ज़रूर देखेंगे। क्लॉक चैप्टर जो है वो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो नंबर 5 से आपको वीडियो 10 तक मिलेगा, 6 क्लास इस क्लॉक चैप्टर की हैं, इतना ज़्यादा मीटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, तो देखते रहिए और मुस्कराते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे आप कि इसका आंसर यह आया इसका आंसर यह आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।